खोल दे उन भक्तों के जो वाणी से गुण।
I'm
भक्तों को राम राम। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। मारुति सरकार मंदिर में लगभग 35 से 40 साल से भगवान को अन्नकूट का प्रसाद लगाया जा रहा है। ये अन्नकूट का प्रसाद दीपावली के बाद गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने हाथ पे उठाया तो उसकी खुशी के उपलक्ष्य में भगवान को भोग लगाया गया पर्वत को, 56 भोग का प्रसाद, उसे अन्नकूट कहते हैं। तो यह अन्नकूट का प्रसाद बड़ा महत्व रखता है। इसमें निज़ामबाद के सभी भक्तों को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है और सभी भक्त इस मारुति सरकार मंदिर में विशेषकर आते हैं। यहाँ प्रसाद का बड़ा महत्व है, हनुमान जी और राम जी का बड़ा दरबार है। सभी भक्त इस में प्रसाद लेने अवश्य पधारते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। और सबसे यही प्रार्थना है कि इसमें पधारे और इसका आनंद लेवे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग 35-40 साल से यह प्रसाद यहाँ चल रहा है। 35-40 साल हो गए हैं। 30 संवत्सरम नुंचि प्रति दीपावली तरवा वच्चे मंगलवारम आए। सो मंगलवार दिवाली के बाद उस दिन यह कार्यक्रम रखा जाता है, मंगलवार या शनिवार, दो दिन रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मानस परिवार मंदिर के दिवाली के बाद जो अन्नकूट करते हैं उसका भोजन प्रसाद सब लोगों को वितरित, अपने पूरा मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज और भी जो भी भक्त लोग हैं उनको प्रसाद बिठा के भी खिलाते हैं। जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिला बच्चे लोग हैं जो नहीं आ सकते उनको जो है टिफिन भी भर के देते। और ये प्रसाद जो है तकरीबन 2-1 हज़ार आदमी का प्रसाद जो है हम लोग बनाते हैं। और पिछले 30-35 साल से हमारा ये अन्नकूट का कार्यक्रम चल रहा है और मैं जो है इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे पिताजी 12 साल अध्यक्ष का पद संभाले हैं और ये हमारी परंपरा पिछले 30-35 साल से चलते आ रही है। इसमें सभी समाज के अमीर गरीब हर लोग इसका लाभ लेना बोल के ये अन्नकूट का कार्यक्रम करते हैं हम लोग।